कक्षा 11वीं गणित विषय गणित कक्षा 12वीं कृषि संकाय अध्याय 16 क्षेत्रमिति त्रिकोणमिति के सूत्र। आइए हम देखें साइन ए प्लस बी हो तो हम लिखते साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी हो तो हम लिखते हैं साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। इन दो फार्मूलों की सहायता से एक तीसरे फार्मूले को हम लिखते हैं। यदि हम क्या करें ये समीकरण या इसको एक कह दें और इसको दो कह दें, समीकरण एक और समीकरण दो को हम क्या कर दें जोड़ दें। यदि समीकरण एक में हम इस समीकरण दो को जोड़ते हैं तो एक नया फार्मूला बन जाता। वो नया फार्मूला देखिए क्या होगा, कुछ इस प्रकार से साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर इसे। दाहिनी ओर के ये दोनों पद एक दूसरे को घटा देते लेकिन ये दोनों पद जुड़ जाते हैं तो इससे एक नया फार्मूला आ गया टू साइन ए इंटू कॉस बी। यदि हम समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने की बजाय घटा देते क्या लिखते हम समीकरण एक में से समीकरण दो को जोड़ने की बजाय क्या कर देते घटा देते। ध्यान से देखिए घटाने पर यहाँ प्लस माइनस में हो जाएगा तो ये ही इसको चाहे तो हम एक बार फिर से लिख ले रहे हैं यहाँ कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या है तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी की वैल्यू बराबरी से साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। हमने लिखा समीकरण एक में से दो को घटाने पर, जब हम घटाएंगे तो समीकरण दो के सारे पॉजिटिव साइन किसमें निगेटिव में हो जाएंगे और जहां निगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। नए चिन्हों को ध्यान में रखते हुए जब हम हल करेंगे तो हमें एक नया फार्मूला फिर यहाँ मिलता है कुछ इस प्रकार से। ध्यान दें फार्मूला होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब ये दोनों एक दूसरे को घटा देंगे लेकिन ये दोनों जुड़ जाते तो वैल्यू होगी टू कॉस ए इंटू साइन बी। इससे एक नया फार्मूला बनता। पुनः ध्यान से देखिए हम जानते एक और फार्मूले को, कौन से कॉस ए प्लस बी को। यदि कॉस ए प्लस बी हो तो इसको हम कुछ ऐसा लिखते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। मान लो ये फार्मूला नंबर इक्वेशन तीन कह दिया अपने इसको। इसी के सापेक्ष एक और फार्मूला होता हमारे पास क्या कॉस ए माइनस बी का, उसको हम लिखते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये हो गया फार्मूला नंबर चार। यदि अब हम क्या करें यदि अब हम इन दोनों को जोड़ दें, यहाँ जो लिख रहा है उसको ध्यान से समझिए कि हम समीकरण तीन में समीकरण चार को जोड़ने पर लिख रहे हैं।
समीकरण तीन में जब चार को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमारे पास जो वैल्यू होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। इधर ये दोनों पद लेफ्ट साइड में कुछ इस प्रकार से cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। cos a प्लस बी में cos a माइनस बी क्या होगा, जुड़ जाएगा। लेकिन दाहिनी तरफ sin a इंटू sin b से sin a इंटू sin b दोनों घट जाएंगे क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस, लेकिन ये दोनों प्लस होंगे तो क्या होगा, 2 cos a इंटू cos b। इससे एक ये नया फार्मूला बना। अब यदि हम इक्वेशन 4 से 3 को घटाएं, कौन से समीकरण 4 में से, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को क्या करते, घटाते हैं। तो समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर जो हमारे पास वैल्यू होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। पहले हम समीकरण 4 को लिख रहे हैं, समीकरण 4 हमारे पास है cos a माइनस बी इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। और समीकरण 3 को अब लिखेंगे, cos a प्लस बी इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। हमने लिखा है समीकरण 4 में से 3 को घटाने पर, तो समीकरण 3 के सारे साइन जो पॉजिटिव होंगे वो निगेटिव में, जो निगेटिव होंगे वो पॉजिटिव में बदल जाएंगे। और इससे जो फार्मूला हमको मिलेगा, फार्मूला कुछ इस प्रकार से, फार्मूला हमको मिला cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी बराबर इसे। ये दोनों तो घट जाएंगे लेकिन अब की बार ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 sin a इंटू sin b। तो इस प्रकार से आज अपन ने इन चार फार्मूलों को पढ़ा। इन चारों फार्मूलों को यदि हम लिखे तो कुछ इस प्रकार से आज के फार्मूले बने अपने पास। बेसिक फार्मूलों की सहायता से पहला क्या, 2 sin a इंटू cos b, 2 sin a इंटू cos b आपको मिलेगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये sin a प्लस b में sin a माइनस b को जोड़ने पर मिलता है। दूसरा फार्मूला मिला था 2 cos a इंटू sin b। यह फार्मूला हमको मिला किसमें, sin a प्लस b में से, sin a प्लस b की जो वैल्यू थी उसमें से sin a माइनस b को घटाने पर। तीसरा फार्मूला 2 cos a इंटू cos b मिला था हमको, 2 cos a इंटू cos b मिला हमको cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b की सहायता से। और जो चौथा फार्मूला मिला था वो हमारे पास है 2 sin a इंटू sin b। यह हमको मिलता है काहे से, cos a माइनस b में से, cos a माइनस b में से cos a प्लस b की वैल्यू को घटाने पर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही शेष कर, धन्यवाद।